فبأي آلاء ربكما تكذبان. हमारे भाई साहब तो इसको खास तौर पर फरमाते थे कि घर में जिसमें आता है घर में जो सलाम करके दाखिल हो, किताब में है, तो अल्लाह ताला उसके लिए वाफिर रिस्क का फैसला कर देते। एक हदीस में है कि जब तुम घर में कोई हो या ना हो, हो या ना हो, सलाम करो, तो अगर कोई है तो सलाम का जवाब देगा, नहीं है तो तुम्हारा सलाम मुझे पहुंचाया जाता है। सलाम करके घर में दाखिल हुआ करो। और रिस्क किसे कहते हैं? इंसानी बदन की हर जरूरत का नाम रिस्क है। हमने समझा सिर्फ खाना रोटी चावल सालन पानी, ये रिस्क। इसको सर्दी गर्मी के एतबार से कपड़े चाहिए, रिस्क है। इसे रहने के लिए एक छत चाहिए, वो रिस्क है। इसे इधर से उधर जाने के लिए एक सवारी चाहिए, वो रिस्क है। ये मर्द है, इसके अपने बदन की बाज फितरी जरूरत है, उसके लिए एक नेक साले बीवी चाहिए, बीवी रिस्क है। ये औरत है, इसको एक नेक साले मर्द खाविन चाहिए, वो रिस्क है। ये मियां बीवी बन गए, इनको अपने आंखों की ठंडक के लिए औलाद चाहिए, औलाद भी रिस्क है। और कहते जी बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, ये लड़कों के कोई अच्छा रिश्ते हो जी, शादी हो गई, औलाद नहीं है। अरे सलाम करके घर में दाखिल हो, कोई फर्द बगैर सलाम के घर के चौखट के अंदर कदम ना रखे, फिर देखो रिश्ते कैसे नहीं आते, रिश्तों की बरसात बरसेंगे। लेकिन जब रिश्ते आए तो फिर मेन मेख ना निकालो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखो अल्लाह औलाद कैसे देते हैं, अल्लाह देते हैं औलाद।